शिवराज ने मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, टेंशन में मोदी शाह। मोहन सिंह यादव के शपथ ग्रहण का बायकॉट कर सकते हैं शिवराज। मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा, शिवराज ने किया ऐलान। मोदी सरकार में शामिल होने से शिवराज ने कर दिया इनकार। मध्य प्रदेश में मिली बड़ी जीत भी शिवराज को नहीं बचा पाई। मोदी शाह और नड्डा की त्रिमूर्ति ने शिवराज को निपटा दिया। उन्हें उनका सीएम पद छीन लिया गया और एक अनजान चेहरा समझे जा रहे मोहन सिंह यादव को सीएम बना दिया। मोहन सिंह यादव 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में मोदी और शाह भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण का मामला अलग है, लेकिन सवाल इस समय शिवराज सिंह चौहान को लेकर उठ रहे हैं। कहा जा रहा था कि शिवराज को दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन शिवराज के तेवरों से अब बीजेपी हाईकमान के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। शिवराज के बयानों में अब बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। अब तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि शिवराज को हटाना आसान है, वो बेहद नरम और समझौता करने वाले नेता हैं, इसलिए वो चुनाव के बाद भी अपने पक्ष में दावेदारी जताने के लिए दिल्ली नहीं आए। कहा कि जो फैसला हाईकमान करेगा वो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जब हाईकमान ने फैसला किया और कहा कि शिवराज को वो सीएम नहीं बना रही है, तो उसके बाद से ही शिवराज के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब वो मोहन सिंह यादव के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाएंगे। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बायकॉट की भी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मोहन सिंह यादव को सीएम बनाए जाने से शिवराज बेहद नाराज हैं और इस नाराजगी का वो खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवराज से सवाल किया गया था कि क्या वो दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली में कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या अब वो प्रदेश की राजनीति नहीं करेंगे। सवाल सुनते ही शिवराज के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उन्होंने बेहद तीखे अंदाज में कहा कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन काम मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा। दिल्ली के मायने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कारण ही शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद नहीं मिल पाया। नहीं तो इतनी बड़ी जीत दिलाने वाले किसी नेता के साथ भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इंदिरा और राजीव गांधी के समय पर भी कांग्रेस ऐसा फैसला करने की ताकत नहीं जुटा पाई थी, क्योंकि सभी को पता था कि यह जनमत का अपमान होगा। लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाया उसे बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी विधायकों से सवाल करेंगे तो वो भले ही मीडिया के सामने अपनी जीत को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिले वोट की जीत बताएं, लेकिन जब सवाल ऑफ कैमरा किया जाए तो वो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। अगर शिवराज नहीं होते तो उनका जीतना बेहद मुश्किल था, और अब शिवराज के तेवर बीजेपी हाईकमान को सिर्फ हैरान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार पर बड़े संकट के संकेत भी दे रहे हैं। क्योंकि अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी, और कहा जा रहा है कि शिवराज के अपमान से मध्य प्रदेश का किरार धाकर समाज अगर नाराज हो गया तो 15 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, तो फिर बीजेपी के लिए इस बार एमपी के 29 सीट तो दूर, 15 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही दक्षिण भारत में बीजेपी पूरी तरह सुखड़ गई है। अगर एमपी में भी नुकसान हुआ तो मोदी सरकार के लिए 2024 में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।